अच्छा मुझे फिल्म में सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी कि मैं कल से इन लोगों के साथ घूम रहा हूँ और ये हीरो के साथ मैंने सीक्रेट फिल्म की और मुझे मालूम नहीं था ये आदमी स्क्रीन पे जो फीमेल या ट्रांसजेंडर बना हुआ है। सो ही प्लेड वेरी वेल और पूरी फिल्म जो है ये आसान काम नहीं होता सारा ऑर्गेनाइज करना, इजीली बहुत ही अच्छे लेवल पे इसको ले जाया गया है। नाउ इट डिपेंड्स के इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ फाइनेंसेस यू कैन मेक इट बहुत बड़ा वास्ट इसको बनाया सकता है, लेकिन उसमें इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें जो जेन्युइन स्टडी थी वो रिक्वायर्ड थी क्योंकि प्रॉपर्ली दी है, तो जो माइनर पॉइंट्स थे विच वी डोंट रियलाइज अबाउट ट्रांसजेंडर पीपल, हम सिर्फ उनको ऊपर से देखते हैं कि इनकी ज़िंदगी ऐसी है, ये ताली बजाते हैं, मांगते हैं, ये चले जाते हैं, लेकिन उनके माइनर जो अंदर की उनकी फीलिंग्स है वो ये जितेश भाई ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया इसको। एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल दिस पीपल हु मेड सच अ वंडरफुल फिल्म। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर टू एंड मेकिंग मी वॉच दिस फिल्म। आई लव इट। गॉड ब्लेस ऑल।